मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में। क्लास नाइन्थ की हिंदी की पुस्तक है जिसका कहानी, पहली कहानी है कहानी का प्लॉट। इसके प्रीवियस हम लोग पढ़े थे कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी का सारांश पढ़े थे। इस वाले वीडियो में हम लोग कहानी का प्लॉट शीर्षक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो कोरोना काल में जैसा कि आप जानते हैं, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की टीम ने आप सभी की सुविधा के लिए, आप सभी की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कैचअप कोर्स आरंभ किया है। तो उसी के अंतर्गत ये देखिए कहानी का प्लॉट, लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इस वीडियो में हम लोग कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी का एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसको मैं आपको समझाऊंगी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो लिखेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि कहानी लिखने की प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, क्योंकि यह कहानी समाज में प्रचलित विसंगतियों पर आधारित है, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी निर्मम प्रथा शामिल है, जिसको प्रस्तुत करने की क्षमता सभी में नहीं होती। लेखक अपनी प्रशंसा अपने से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यह कहानी जो है, कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत कठिन विषय है और इस पे सभी लोग नहीं लिख सकते हैं, और जो लोग लेखक हैं, जिनके जो सहृदय पाए हैं, वो इस कहानी को अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे जैसा मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा। आप सारांश में देखे थे कि यह कहानी का परिवेश जो है वह ग्रामीण है, देहाती क्षेत्र की कहानी है, तो नाम भी देहाती ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम कि यह कहानी ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, इसलिए लेखक ने नाम भी इसी तरह का दिया है, जो कि सही भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। आप लोग को याद होगा कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दारोगा थे, तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या देंगे कि मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे। छोटा सा आंसर रहेगा, स्पष्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो कहानी जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देख आप लोगों को याद होगा कि दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी और उससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और घोड़ी इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी की उस पर नजर थी, सब चाहते थे कि मुझे दे दे, लेकिन दारोगा जी ने नहीं दिया, तो इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। तो लिखेंगे इसी चीज को कैसे, लिखेंगे कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी की नजर थी, घोड़ी से मोहब्बत ही उनकी तरक्की रुकने की वजह थी। आई बात समझ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, मल्टीपल चॉइस भी है और ये लिखने वाला भी है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फिर उसको।